न्यूज़ सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़ TV। मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। पीएम मोदी को तीसरी बार सत्ता सौंपे शाह। 2G स्पेक्ट्रम मामले में दिखा भाजपा का पाखंड। ये लौटे तो सभी अधिकार छीन लेंगे प्रियंका। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पीएम मोदी को तीसरी बार सत्ता सौंपे शाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने का मतलब है आतंकवाद और नक्सलवाद से मुक्ति, गरीबी से मुक्ति और युवाओं को एक मंच मुहैया कराने की व्यवस्था करना, ताकि वे दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके और एक महान भारत का निर्माण कर सके। इन शब्दों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को पोरबंदर में लोगों से तीसरी बार भाजपा की जीत सुनिश्चित करने का आह्वान किया। वे यहां से भाजपा प्रत्याशी मनसुख मंडविया के समर्थन में रैली करने पहुंचे। कांग्रेस पर देश हित के फैसलों में टांग अड़ाने का आरोप लगाते उन्होंने कहा, उन्हें कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने से दिक्कत थी, राम मंदिर निर्माण से दिक्कत थी, 3 तलाक के खिलाफ कानून लाने से दिक्कत थी, NRC से CAA से दिक्कत है, कांग्रेस और धर्म जाति के नाम पर राजनीति करने वाले उन जैसे दलों के विरोध के बावजूद भाजपा ने देश हित में सभी फैसले लिए। आई बढ़ते अगली खबर की। 2G स्पेक्ट्रम मामले में दिखा भाजपा का पाखंड। कांग्रेस ने 2G स्पेक्ट्रम के मामले के फैसलों में संशोधन की मांग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट का रुख किए जाने को लेकर शनिवार को आरोप लगाया कि भाजपा के पाखंड की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि उसने UPA के तहत 2G स्पेक्ट्रम की प्रशासनिक आवंटन को घोटाला बताया था और अब सरकार बिना नीलामी के स्पेक्ट्रम देने की अनुमति मांग रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि केंद्र की मोदी सरकार और भ्रष्ट जनता पार्टी के पाखंड की कोई सीमा नहीं है। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान उसकी तरफ से यही रोना रोया जाता था कि 2G स्पेक्ट्रम का आवंटन एक घोटाला है। आई बढ़ते अगली खबर की। ये लौटे तो सभी अधिकार छीन लेंगे प्रियंका। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा से शनिवार को दावा किया कि सत्तारूढ़ भाजपा का शीर्ष नेतृत्व भले ही अभी इस बात से इनकार करने का दिखावा कर रहा हो, लेकिन अगर पार्टी सत्ता में वापस आई तो वह संविधान बदल देगी और लोगों को उनके अधिकारों से वंचित कर देगी। प्रियंका ने आदिवासी बहुल वलसाड जिले के धर्मपुर गाँव में ST सुरक्षित वलसाड लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अनंत पटेल के समर्थन में आयोजित एक रैली में कहा, भाजपा नेता और उम्मीदवार कह रहे हैं कि वे संविधान बदल देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे इनकार कर रहे हैं, यह उनकी रणनीति है। कांग्रेस नेता ने कहा, शुरुआत में वे उससे हमेशा इनकार करेंगे जो वे करना चाहते हो, लेकिन सत्ता में आने के बाद वे इसे लागू करेंगे। वे आम लोगों को कमजोर करने और उन्हें हमारे संविधान में दिए गए अधिकारों से वंचित करने के लिए संविधान को बदलना चाहते हैं। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस YouTube पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज TV पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।